मोदी भक्त कहे जाने पर क्या बोले अक्षय कुमार? क्या बीजेपी को सपोर्ट करते हैं खिलाड़ी? क्या वो केंद्र सरकार के पक्ष में बनाते हैं फिल्में? अक्षय कुमार ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया, उन्हें मोदी भक्त का टैग दे दिया गया। कनाडा की नागरिकता ली तो कनेडियन कुमार नाम पड़ गया। पिछले कुछ सालों से उन पर ये आरोप लगे कि वो मोदी सरकार के कट्टर सपोर्टर हैं। वो मोदी सरकार की विचारधारा वाली फिल्में बनाते हैं। वहीं अक्षय ने इन सभी सवालों का खुलकर जवाब दिया है। 6 अक्टूबर को अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसी सिलसिले में उन्होंने मीडिया को कुछ इंटरव्यूज दिए। इंटरव्यू में अक्षय कुमार से सवाल किया गया कि उन्हें मोदी भक्त क्यों कहा जाता है। इस पर एक्टर ने ऐसा कहने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि सच ये है कि कुछ लोग मुझ पर टॉयलेट एक प्रेम कथा के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। मैंने बैडमैन भी बनाई, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैंने एयरलिफ्ट बनाई जो कांग्रेस के समय की थी। यहाँ तक कि मिशन रानीगंज भी कांग्रेस के समय की थी। क्या फर्क पड़ता है कि उस समय किसकी पार्टी थी? मुझे किसी कहानी में पोटेंशियल नजर आता है तो मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई। मैंने मिशन मंगल भी बना। बात सिर्फ इतनी ही है कि ये सब एक अच्छे टॉपिक हैं और उन पर फिल्म बना दी और कुछ नहीं। अक्षय कुमार की माने तो उन्होंने कभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है, वो बस सोशल मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं। आपको बता दें कि जब से उन्होंने पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया, सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। खिलाड़ी कुमार ने उस पर भी बात की है। अक्षय ने कहा, लोगों को उस इंटरव्यू से समस्या थी जिसमें मैंने पीएम से पूछा था कि क्या उन्हें आम पसंद है। मैं उनका मानवीय पक्ष जानना चाहता था। मुझे उनसे पूछने का मन हुआ। मैं जानना चाहता था कि वो घड़ी उल्टी क्यों पहनते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता था कि उनके पास बैंक में कितने पैसे हैं। मैं उनसे नीतियों के बारे में नहीं पूछने जा रहा था। प्रधानमंत्री ऑफिस से उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया गया कि क्या सवाल पूछने हैं और क्या नहीं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने मुझे आमों के बारे में पूछने की अनुमति दी हो? मेरे हाथ में कोई कागज भी नहीं था। दरअसल मैंने उन्हें एक चुटकुला भी सुनाया था। अक्षय कुमार ने इसी साल 15 अगस्त को अपनी भारतीय नागरिकता का ऐलान किया है। इससे पहले उनको बात बात पर कनेडियन कुमार कहकर ट्रोल किया जाता रहा। हालांकि अक्षय कुमार वो एक्टर हैं जिन्होंने हमेशा देश की मदद में हाथ बढ़ाया। देश पर जब कोरोना का प्रकोप हुआ तो उन्होंने 25 करोड़ का दान दिया, लेकिन कभी भी उनकी देशभक्ति नहीं देखी गई। हमेशा उनके कनेडियन पासपोर्ट को लेकर उनकी ट्रोलिंग होती रही। आपको बता दें कि कुछ साल पहले अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ली थी। उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में वो मजबूरी भी बताई जिसके कारण उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली। अक्षय ने कहा, कुछ साल पहले मेरी फिल्में नहीं चल रही थी। लगभग 14-15 फिल्में फ्लॉप रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मुझे कहीं और जाकर काम करना चाहिए। मेरा एक दोस्त जो कनाडा में रहता था, उसने उन्हें कनाडा शिफ्ट होने का सुझाव दिया था। वहां मुझे कार्गो में बिजनेस मिल रहा था। उसी दौरान 2-3 फिल्में चल गई। तब तक पासपोर्ट भी आ गया था। बॉलीवुड में मुझे फिल्में मिलने लगी, फिल्में चलने लगी, फिर मेरे दिमाग से पासपोर्ट वाली बात निकल गई थी। अक्षय कुमार से इंटरव्यू में यह भी पूछा गया कि उन्होंने कनाडा की नागरिकता क्यों छोड़ी। इस पर अक्षय कुमार ने कहा कि कैनेडियन पासपोर्ट की वजह से मुझे काफी ट्रोल किया गया, तो लगा कि अब अगर एक कागज से इतना फर्क पड़ता है तो बदल लेना चाहिए। टैक्स तो मैं यहीं भरता हूँ, हिंदुस्तानी खाना खाता हूँ, हिंदुस्तानी ही हूँ, हिंदू हूँ। लोगों ने कहा इनका पासपोर्ट कनाडा का है। मुझे लगा कागज से ऐसा होता है तो बदल लिया जाए। अक्षय कुमार से यह भी पूछा गया कि क्या दोबारा बॉलीवुड में वो फ्लॉप हो जाएंगे, उनकी फिल्में चलनी बंद हो जाएंगी, तो क्या वो फिर से कनाडा चले जाएंगे। इस पर खिलाड़ी कुमार ने कहा कि अब वो ऐसा दोबारा नहीं करें। उन्होंने बताया कि जब कनाडा की नागरिकता ली थी, आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें कनाडाई नागरिकता की जरूरत नहीं है।